بسم الله الرحمن الرحيم नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो इस थंबनेल की बनने वाली वीडियो की वजह से है। आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं एक ऐसे घर का जहां मेरी सोलर कंपनी को इस वीडियो की बदौलत 5 किलोवाट के सोलर पावर का ऑर्डर मिला। ये साहब शाहफ़ज़ल टाउन के इलाके ड्रीम वर्ल्ड सिटी में रहते हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सोलर पावर कंपनी के थ्रू इन्होंने जो सोलर पावर लगाया है वो कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुझे कहते हैं मोहम्मद नासिर पर और आप देख रहे हैं प्रवीज उर्दू। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कराची में बिजली के बिलों ने जो आफत उठाई हुई है और जो जिस तरह से नाजायज़ बिलों के बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं उसने इंसान को बिल्कुल परेशान कर दिया और जीना महाल कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे इंसान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हर चीज़ का नियम बदल मौजूद होता है और जैसा कि कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो इन बिजली के बिलों को देखते हुए भी सोलर सिस्टम एक दुनिया में एक ऐसी चीज़ ईजाद हो गई है कि अब हर शख्स अपनी आसानी के लिए सोलर सिस्टम को लगवा रहा है। मैं मौजूद हूँ उस वक्त कराची के इलाके शाहफ़ज़ल टाउन में और ड्रीम सिटी में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक प्रोफेसर साहब और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोफेसर साहब ने सिस्टम कब लगवाया, क्यों लगवाया और किस लिए लगवाया। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सर पहले नाम बताइएगा, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या पेशा है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर महमूद ख़ान है। मैं हैदराबाद में गवर्नमेंट सचल समस कॉमर्स कॉलेज हीराबाद से एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुआ। फिर इसके बाद में हम लोग कराची शिफ्ट हो गए। कराची में फिर मैंने ड्रीम सिटी में अपना प्लाट खरीद कर यहाँ अपना मकान बनवाया और बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया। कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बिजली का जो बहरान है ये सबको ही मालूम है, लेकिन यहाँ शिफ्ट होने के बाद में भी हमें दो चीज़ का सामना रहा। एक तो आए दिन जो है बिजली की फ्लक्चुएशन, वोल्टेज का कम होना, बिजली का चले जाना, तो यहाँ बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे कि बिजली का कोई परमानेंट इंतजाम किया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि बिजली के आए दिन जो बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा था, रेट बढ़ते जा रहे थे, उसकी वजह से हम बड़े परेशान हो गए थे। तो ये सोच रहे थे फिर इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो फिर जहन में आया, फिर मैंने फेसबुक पर देखा तो मेरी सोलर कंपनी जो है मैंने उसको देखा और भी मुख्तलिफ कंपनीज देखी, लेकिन मुझे जो है मेरी सोलर कंपनी जो है उसने ज़्यादा अट्रैक्ट किया। फिर मैंने जो है आबिद हुसैन भाई जो कि इसके डायरेक्टर हैं उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बड़ा बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया और फिर उन्होंने इस बात पर आमादगी जाहिर की कि चले मैं आपका इंस्टॉल कर देता हूँ सोलर सिस्टम का घर पर। जो कौन सी बात देख के आप इनसे इंस्पायर हुए थे आबिद भाई की, आप आबिद भाई को सोलर कंपनी से सिस्टम लेने में मजबूर हो गए? एक तो मैंने कहा आबिद भाई की कुछ वीडियोस देखी थी, इन्होंने बड़ी बड़ी जगह पर मैंने देखा एक शिप पर इन्होंने जो बताया सोलर सिस्टम लगाया है और भी इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर जाना सोलर सिस्टम लगाया जो कि बड़ी कामयाबी के साथ चल रहे थे और बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा था। तो ये सोचते हुए मैंने आबिद भाई से कॉन्टेक्ट किया, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा सिस्टम भी जिस तरह से इन्होंने दूसरी जगह पर लगाया है और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा सिस्टम भी इसी तरह से रहेगा। पहले आपका बिजली का बिल कितना आता था और अब जो आपने महसूस किया है कि आपकी कंजम्पशन कितनी है बिजली की? असल में मेरे घर में चार फैमिलीज हैं, मेरे तीन बेटे शादीशुदा हैं और मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक छोटा बेटा है। तो इस तरह से हमारी कंजम्पशन जो है वो तकरीबन माहाना जो है 600 और 700 यूनिट्स के दरमियान है, जिसका बिजली का बिल आपको मालूम है कि काफ़ी मतलब हो जाता है। ये तकरीबन जो है 30-35 हज़ार रुपये माहाना एक एवरेज बिल मतलब रहा हमारा जो है। जाहिर है कि इस दौर में इतने बिल को अफोर्ड करना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि जाहिर है कि मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और पेंशन में इतना गुजारा करना, क्योंकि अब मैं अपने घर को चलाऊँ या बिजली के बिल में अदा करूँ, तो ये बड़ी मुश्किलात मुझे पेश आ रही थी। तो इस वजह से मैंने सोलर सिस्टम का ये ऑप्शन जो है ऑप्ट किया। अच्छा, आपने ये सोलर सिस्टम जो लगवाया है, ये सोलर सिस्टम अमूमन घरों में तो कम वाट का लगता है, 200 वाट का या 100 वाट, ज़्यादा 200 वाट, दो वाट का लगता है, तो आपने 6 वाट का सिस्टम ही क्यों चूज़ किया?
असल में जिन घरों में अफरादी क़ुव्वत कम होती है वहाँ बिजली की खपत भी कम होती है। अब मैंने तो जैसे कि जिक्र किया, मेरे 3 बेटे शादीशुदा हैं और माशाल्लाह उनके बच्चे भी, बता गए कि बच्चा उनका है और हम भी हैं, तो अब जाहिर है कि हर रूम में बिजली की कंजम्पशन जो है वो पंखा भी चलाते हैं, लाइट भी चलाते हैं और फिर इसके अलावा इस्तरी भी होती है, पानी की मशीन भी चलती है, TV भी चलता है, ये तमाम चीज़ें जो है बिजली की कंजम्पशन को बढ़ा देती है। और जाहिर है कि जहाँ एक फैमिली होगी वहाँ तो कंजम्पशन कम होगी, अब जहाँ 4 फैमिलीज हैं वहाँ तो कंजम्पशन जाहिर है बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से मैंने सोलर सिस्टम के लिए ऑप्ट किया। इस सोलर सिस्टम पर आप क्या क्या चीज़ चला रहे हैं, कितने AC हैं, कितनी पानी की मोटर है, कितने TV आप चला रहे हैं, क्या क्या चीज़ चल रही है? अभी इस वक्त सोलर सिस्टम पर मैं तकरीबन जो है मेरे 5 पंखे चल रहे हैं और तकरीबन 10-12 मेरे बल्ब चल रहे हैं, पानी की मशीन चल रही है और 3 मेरे TV चल रहे हैं और इस्तरी चल रही है, 2 मेरे फ्रिज चल रहे हैं, AC अभी जैसे ही मतलब गर्मियाँ शुरू होंगी तो AC भी इस पर है, AC भी मैं चलाऊंगा, क्योंकि अभी तो इस वक्त जो है पंखा का सिलसिला है तो पंखे भी चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये मतलब कि अभी ये गर्मियाँ शुरू हो जाएंगे तो इस पर AC भी आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि ये बड़ा मतलब 6 KV का मतलब सिस्टम है। अच्छा, आप आबिद भाई की सिस्टम लगाए हुए सिस्टम से मुतमईन है हर लिहाज से, पेमेंट के लिहाज से और मार्केट रेट के हिसाब से, प्लेटों के हिसाब से और जो मशीनरी इन्होंने आपको यूज़ से, आप मुतमईन हर तरह से? मैंने मुख्तलिफ जगह पर सर्वे किया, मार्केट में गया, मुख्तलिफ कंपनीज़ को मैंने देखा, उनके रेट्स मैंने देखे और फिर इसके अलावा मैंने जो है जिन कंपनीज़ में मैं गया जहाँ मैंने कॉन्टेक्ट्स किए तो उनकी तरफ से इतना वेलकमिंग रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, लेकिन आबिद भाई जो है बाअख्लाक भी हैं और इंतहाई कोऑपरेटिव भी हैं और इनका जो सिस्टम जो है उसकी कॉस्ट भी मुझे कंपेरेटिवली जो है दूसरों के मुकाबले कम मिली, तो इसलिए मैंने आबिद हुसैन भाई को मैंने ऑप्ट किया और बस यही वजह थी। हमारे साथ मौजूद हैं जी सोलर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और टेक्निकल हेड आबिद हुसैन साहब। आबिद भाई से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिस्टम इन्होंने यहाँ लॉन्च किया है ये कितनी पावर का है और सिस्टम की क्या डेफिनेशन है। अस्सलाम वालेकुम आबिद जी। वालेकुम अस्सलाम नाइस साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह उपल उर्दू न्यूज़ बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहा है और लोगों को वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे नई टेक्नोलॉजी के साथ इनके साथ तमाम इन्फॉर्मेशन मुहैया कर रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आते हैं हम अपने सिस्टम की तरफ। तो सिस्टम जो अभी हमने यहाँ लगाया है वो 6 किलोवाट का हमने सिस्टम लगाया है और इसमें चूँकि इम्पोर्ट हमारी सारी अपनी है, ख़ुद की मेरी सोलर कंपनी की है, इसमें हम अपने सोलर पैनल्स भी इम्पोर्ट कर रहे हैं और अपने इन्वर्टर्स जो हैं वो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट से बहुत कम रेट में हम लगा के दे देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ आपने कितने वाट का सिस्टम लगाया और क्या पावर है? यहाँ पर हमने 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया है लेकिन चूंकि थोड़ा सा बजट इशू था तो उस पर हमने इन्वर्टर 6 किलोवाट का लगाया है लेकिन जो हमने प्लेटें लगाई हैं, पैनल लगाए हैं, वो तकरीबन 6 पैनल हमने यूज़ किए 550 वाट के और ये हैं मेरी अपना फोनो सोलर कंपनी के हैं और ये हमारी अपनी इम्पोर्ट है जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा और हाई इफ़िशेंट है। अमूमन घरों में देखा जाता है कि 1 से 3 किलोवाट के जो हैं वो लगाई जाती है सिस्टम, लेकिन यहाँ आपने 6 किलोवाट का सिस्टम क्यों लगाया है? देखिए, फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सिस्टम लगाया है क्योंकि जो कॉस्ट 3 किलोवाट सिस्टम पे आ रही थी तो उससे थोड़ा सा 19-20 करके हमने ये 6 किलोवाट का लगा दिया है, जिसमें एक एडवांटेज ये है कि हमने इसमें जो इन्वर्टर इस्तेमाल किया है वो 6 किलोवाट का किया है, तो हमारे क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास आगे इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है कि फ्यूचर में अगर वो अपना लोड बढ़ाना चाहता है, इस पर कुछ और AC लगाना चाहते हैं तो उनके पास ये एक कैपेसिटी मौजूद है, इसमें वो सिर्फ सोलर पैनल का इजाफा करेंगे और उसके अलावा कोई चीज़ उन्हें छेड़नी नहीं है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। जब आपने इतना बड़ा सिस्टम यहाँ लॉन्च किया है तो इट्स मीन कि आपने तमाम SOPs का ख्याल किया होगा, इसके अंदर वो स्पीडीज सब लगाई होंगी, तो आपने कौन कौन सी सहूलत यहाँ लगाई हैं मशीनरी के, ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर, उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको पता है कि DC करंट जो है AC करंट से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, AC करंट में साइकिल बनते हैं जिसकी वजह से वो एक दफ़ा ऑन एक दफ़ा ऑफ होता है, करंट लगने की सूरत में वो झटका दे के छोड़ देता है, लेकिन DC करंट जो है ये छोड़ता नहीं है,
इसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इसमें हमने तमाम SOPs का ख्याल रखा है, इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से भी रखा है, सेफ्टी के हवाले से भी रखा है, और हमने इसमें हाई स्टैंडर्ड की जो है तमाम ब्रेकर सिलेक्टर सब यूज़ किए हैं जो आप नीचे देखेंगे इन्वर्टर के साथ। अच्छा, ये जो सिस्टम आपने लगाया 6 किलोवाट का, इसको इंस्टॉल करने में कितनी देर, कितने दिन, कितने घंटे लगे आपके? सिर्फ 3 दिन हमें लगे हैं इसमें, और 3 दिन के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम ऑन कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी। अबे भैया, ये बताइए कि आपकी जो टीम है जो सारे इस काम को संभालती है, करती है, इंस्टॉल करती है, मैं जानना चाहूँगा कि वो कितनी टीम पर, कितने लोगों पर मुंसिपल टीम है, और मैं भी चाहूँगा उनसे ज़रा बात की जाए, उनसे ज़रा बुलवाइएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे पास 4 टीमें काम कर रही हैं, मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर काम कर रही हैं। कुछ लोग वहाँ पर हैं और कुछ मेरी टीम के मेंबर इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे मैं तारुफ करवाता हूँ। इमरान साहब आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये हमारे इमरान साहब हैं और सारा स्ट्रक्चरल वर्क जो है ये पूरा करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर। हम 8 से 10 किलोवाट तक हाफिज़ हुसैन साहब के साथ पूरी हमारी टीम काम कर रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है, और ये 8 से 10 किलोवाट जो है हम 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। कितना सा हो गया आपको काम करते हैं सर? हमें तो तकरीबन 20 से 22 साल हो गए, लेकिन आबिद साहब के साथ काम करते हुए तकरीबन 8 से 10 साल हो गए। तो इन 8 सालों में 10 सालों में आपने क्या महसूस किया मेरी सोलर कंपनी के हवाले से, वर्किंग के हवाले से? जी, ये आबिद भाई हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरा इनके सोलर मटेरियल जो भी कुछ है वो बहुत अच्छा और आला क्वालिटी का मटेरियल है, जिसकी वजह से हमें काम करने में कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं पेश आती। बहुत शुक्रिया। ये हमारे असगर अली शाह साहब हैं, ये सेल्स के हवाले से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं तो सेल्स और मार्केटिंग को देखता हूँ, और मुख्तलिफ पार्टियों से मेरी बातचीत होती है, और इंशाल्लाह जिसके पास भी जाते हैं हम अपना सारा उनको बताते हैं, सेटअप भी बताते हैं कि इतने दिन में आपका ये लगेगा और कंप्लीट होगा, और हमारा मटेरियल सारा डायरेक्ट जो बाहर से आता है इंपोर्ट होता है, तो कस्टमर के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए कि हम किसी होलसेलर से या इधर उधर से किसी से नहीं लेते, हमारा काम है अपना, और हम सारी टीम जितने भी मेम्बर हैं हमारे, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, या और जो टीम में टेक्निकल है, टेक्नीशियन है, सारे मिलके हम काम करते हैं। आबिद हुसैन साहब हमारे बड़ा ख्याल रखते हैं, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है हमारा, अभी यहाँ पे भी हमने जो सिस्टम लगाया और जगहों पे भी लगाया है, तो ये सारे हमारे पास ये वीडियो मौजूद हैं, आप इंशाल्लाह मुतमईन रहेंगे, हर चीज़ के लिए हाजिर हैं आमा वक्त, और हम सर्विस अच्छी दे रहे हैं, तो यही हमारा बड़ी। सेल और मार्केटिंग में क्या चीज़ देखते हैं, किस चीज़ को फॉलो करते हैं? दोनों को देखते हैं जी। सेल कस्टमर को क्या बताते हैं आप? पहले कस्टमर को मुतमईन करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, या किस तरह से कस्टमर को मुतमईन करते हैं कि एक सोलर कंपनी लगानी, सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? जी वो तो लोड के ऊपर है, हम पहले बिल वगैरह चेक करते हैं, उनका लोड चेक करते हैं, उसके मुताबिक फिर हम उनको बताते हैं कि आपका जी कितना लगेगा, और के इलेक्ट्रिक के बिल के हिसाब से हम उनको लोड बताते हैं कि इतना लोड आपका लगेगा, और हमारा बहुत ही कम से कम रेट है, पूरे पाकिस्तान में हमारा काम हो रहा है, हर जगह पे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, और एग्रीकल्चर में ट्यूब वेल वगैरह वो भी कर रहे हैं, उस पर भी लगा रहे हैं, तो और फिर सेल के लिए ये है हमारा, और मार्केटिंग करते हैं, हर एक से मिलते हैं, और हमारा फेसबुक पे भी सब चीज़ें हैं मौजूद हैं, वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मुतमईन रहेंगे, और हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और यही हमारा सारा आपके सामने से। नाज़रीन, बिजली के बिलों की गैर कानूनी जो सिस्टम है, और बिजली के बिलों का जो नाजायज़ बिलों का सिस्टम है, उसकी बिहा पर मैं बात करूंगा। आबिद भाई से मैं कहूंगा कि अगर आबिद भाई आज कोई सिस्टम अगर आपने लगवाना चाहता है तो अपने प्लीज़ रबता नंबर बताइए, कॉन्टेक्ट बताइए, किस तरह आपसे रबता किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मेरा तो ये एम है नासिर भाई कि मैं पूरे पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसको मैं सोलर पर कन्वर्ट कर दूँ, सोलर पर ले आऊँ, और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमने हाई स्पीड बोट को भी
सोलर पे कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में चूँकि बिजली का बहुत बड़ा बहरान है, तो उसमें हम बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हल करने के लिए। और सोलर सिस्टम के ज़रिए जो ये बिजली पैदा की जा रही है, इससे हमारे मुल्क में बिजली का बहरान कम से कम हो जाएगा इंशाल्लाह। और चूँकि इंडस्ट्री जब सोलर पर आ जाएगी तो डेफिनेट चीज़ का रेट कम हो जाएंगे उन चीज़ों की भी, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो जाएगी। तो हमारी पूरी कोशिश है, और हमारा जो ऑफिस है मेरी सोलर कंपनी का, ये वायरलेस गेट गोल्डन टाउन नियर बाब शमशी मस्जिद कराची, बिल्कुल कराची एयरपोर्ट के सामने है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 031-667-5956, आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। महमूद साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप बताइए कि आपने सोलर कंपनी सिस्टम से जो सिस्टम लिया है, अडॉप्ट किया है, लगवाया है, इसके तजर्बे से आप क्या चाहेंगे कि पब्लिक को सिर्फ सोलर सिस्टम की तरफ आना चाहिए और लगवाना चाहिए कि बिजली के बिलों पर इत्तेफाक किया जाए? नहीं, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में बिजली का बहरान है, शदीद बहरान है, और आए दिन जो है बिजली की लोड शेडिंग, टेक्निकल फॉल्ट्स, और इसके साथ साथ बिजली के बढ़ते हुए जो रेट्स हैं, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को ही परेशान किया हुआ है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हर शख्स को जो सोलर सिस्टम पर आ जाना चाहिए, क्योंकि हर शख्स जो है अब ये बिजली का बढ़ते हुए बोझ और बिजली की ये इतनी इंटरप्शन जो है, मतलब इसको बर्दाश्त करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर शख्स को अपनी बसात के मुताबिक, अपनी जितने भी उसकी हैसियत है उसके मुताबिक जो है सोलर सिस्टम पर आ जाना चाहिए। कम फैमिली होगी जाहिर है वो कम लोड का लगाएंगी, ज़्यादा फैमिली होगी ज़्यादा लोड का लगाएंगी। इस तरह से आप क्या समझते हैं कि 6 kV का सिस्टम लगाने के बाद आपका बिजली का बिल जब वो जीरो हो जाएगा, या कि शाम 6 बजे के बाद इसको आप इस तरह यूज़ किस तरह करते हैं, सुबह से 6:30 से लेकर शाम 6 बजे तक, या उसको बाद में बैटरी यूज चलाते हैं? मैं शुरू में जो है मैं ये सोच रहा था कि शायद जो है ये मुझे दिन में चलाना पड़ेगा, रात में शायद मैं कुछ जो है मैं आ जाऊँ के इलेक्ट्रिक की तरफ, लेकिन जो है मैंने एक दिन ये तजर्बा करके देखा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई, ये तो 24 घंटे जो है कंटिन्यू सोलर सिस्टम पे आप चला सकते हैं और अपना बिजली का बिल जो है जीरो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 6 kV का सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो आप 0 मीटर पे 24 घंटे चला सकते हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये आपकी कंजम्पशन पर है, क्योंकि मेरी कंजम्पशन इतनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी जाहिर है उतने यूनिट्स आपको चाहिए। तो इसलिए जो है मतलब मैंने 6 kV का लगाया है, तो इसलिए 24 घंटे मतलब चल रहा है। और फिर उसमें मैंने बैटरियाँ जो लगाई, 4 बैटरियाँ हैं, तो इनका बैटरियों का बैकअप मुझे मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि मेरा 24 घंटे सिस्टम चलता रहता है और 1 मिनट का भी मुझे इंटरप्शन नहीं होता। बिजली में तो आमतौर पर ही होता था बिजली चली गई, लेकिन अब इसमें तो मुझे ये फिक्र ही नहीं कि बिजली चली जाएगी, और ये कंटिन्यू चल रहा है 24 घंटे। राजन, आपने देखा कि बिजली की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से कितने लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, कितने लोग मुतासर हो रहे हैं। तो हमारे महमूद साहब ने भी, जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी बिजली के जायद बिलों की वजह से परेशान होकर सोलर सिस्टम लगवा लिया। तो आज के दौर में अगर आपको जिंदा रहना है, खुश अखलाक रहना है, और अपने माइंड को चेंज करना है, अपनी टेंशन को दूर करना है, तो बिजली के बिलों से जान छुड़वाने के लिए सोलर सिस्टम पर जरूर आइए। और मैं ही समझता हूँ कि आबिद भाई सोलर कंपनी, मेरी सोलर कंपनी के तवज्जो से अगर आप लगवाएंगे सोलर सिस्टम को, तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाजिन, हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम की जानिब, और हमारे साथ मौजूद हैं मेरी सोलर कंपनी के डायरेक्टर जनाब आबिद भाई, जिन्होंने ये सिस्टम इंस्टॉल अपनी टीम से करवाया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम में क्या क्या खूबी है जो मैं उसे आपके घर पर रहने लगाई है। अस्सलाम वालेकुम आबिद जी। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि सिस्टम क्या है, और ये जो इसमें नंबर लगे हुए हैं 233, 214, 225, 215, क्या सिस्टम है, बताइएगा जी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मैंने आपको बताया था कि हमारी अपनी इंपोर्ट है, और आप ये देखेंगे यहाँ पर कि ये आइटल का इन्वर्टर है, 6.2 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है, और ये वाईफाई बेस्ड है, और इसके अंदर ड्यूल आउटपुट सिस्टम है, यानी एक हैवी लोड है और एक लाइट लोड है, आप उसको चाहें
तो हैवी लोड और लाइट लोड दोनों यूज़ कर सकते हैं, ना होने की सूरत में कोई एक भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम जो है आपको वाईफाई की सहूलत मुहैया करता है, आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसकी तमाम जो भी वो है जो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस के इस वक्त कितना जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर घर पर मौजूद नहीं है, आप वाईफाई अपने किसी भी जगह पर वाईफाई करके जान सकते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप काम की नफासत देखिए जो हमने काम करवाया है, उसके बाद ये हमने यहाँ पर ब्रेकर्स और एसपीडीज जो है यूज़ की हैं, ये वोल्ट मीटर है, ये सारे वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, ये सिलेक्टर हमने लगाया है और इसमें तमाम चीज़ें हमने हाई क्वालिटी की है, क्वालिटी में हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि मेरी सोलर कंपनी की तरफ से ये है, और ये पैनल बॉक्स है, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने बैटरी का ब्रेकर लगाया है, 125 एम्पियर का है, उसके बाद ये डीसी ब्रेकर है 63 एम्पियर का, फिर ये के इन के इलेक्ट्रिक इन हो रही है, और उसके बाद जो यहाँ से इन्वर्टर से बन रही है वो के ही आउट हो रही है। तो लाइट जाने की सूरत में अल्लाह ना कह रहे कि कभी कोई ख़राबी हो मशीनरी है, तो उस सूरत में आप इसको बाईपास कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि के सोलर पर है और ये के इलेक्ट्रिक पर है, और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है अगर मुझे अब बताएं, 5:30 बजे शाम का टाइम है, और ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी सोलर काम कर रहा है पूरा, और ये इस वक्त 230-228 वोल्ट बना के दे रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अभी जदीद टेक्नोलॉजी आई है और ये सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है, अभी हमने इनकी मार्केटिंग नहीं की है, और चंद पीस अभी हमने पंजाब में अपनी दूसरी ब्रांच को भेजे हैं, तो जिन किसी साहब को भी चाहिए तो वो हमसे रابطہ कर सकते हैं मेरी सोलर कंपनी से। कॉन्टैक्ट नंबर है 03166775956, और हमारा एड्रेस है शमशी सोसाइटी, वायरलेस गेट, गोल्डन टाउन, कराची, नियर बाबे शमशी मस्जिद। अब भाई ये बताइए कि आपने 6 किलोवाट की जो सिस्टम लगाया है उसमें कितनी बैटरी यूज़ की है, कौन सी बैटरी यूज़ की है? देखिए नासिर भाई, ये जो हमारा 6 किलोवाट इन्वर्टर है ये 4 बैटरी बेस्ड है, 4 बैटरीज इसमें लगती है, 48 वाट का जो है 48 वोल्ट का ये सिस्टम है, इसमें हमने ये बैटरियां लगाई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 200 एम्पेयर की 4 बैटरियां हैं और जो अच्छा खासा बैकअप देती हैं, और इसके अंदर चूँकि एक सेटिंग है, उस सेटिंग के तहत आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे महमूद साहब की रिक्वायरमेंट ये थी कि इस इलाके में लाइट नहीं जाती, तो लाइट नहीं जाती तो हम चाह रहे हैं कि जो शाम को सोलर का टाइम नहीं है उस टाइम में हम बैटरी को यूज़ करें, और उसके बाद अगर चंद घंटे बचते हैं तो के इलेक्ट्रिक यूज़ करने में कोई वो नहीं है। तो जहां बैटरी जहां लाइटें नहीं जाती वही ऑप्शन कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सोलर, देन बैटरी, देन यूटिलिटी, और जिन इलाकों में लाइट जाती है वहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सोलर, सेकेंड ऑप्शन यूटिलिटी, और थर्ड ऑप्शन पर बैटरीज आती हैं जो आपको बैकअप देती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आबिद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा कि 6 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम लगा है और आज की ज़रूरत भी है और हर घर की इंतहाई खास और ख़ास ज़रूरत बन चुका है। जैसे जैसे बिजली के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको यहाँ सोलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉन्टैक्ट नंबर आबिद भाई ने दे दिया है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मैं नासिर भाई आपके ओपल उर्दू न्यूज़ के तवस्सुत से एक पैगाम देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए, कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं, वो बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी मुआवजे के हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ रابطہ कर सकते हैं, हम उन्हें गाइड करेंगे और फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं बताना चाहूँगा जनाब, आबिद भाई ने बहुत अच्छी बात की, मेंबरशिप से मुराद इनकी ये है कि आपकी पूरे पाकिस्तान की ये आबिद भाई की पूरे पाकिस्तान को ऑफर है कि आपका कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, आपको कोई मुर्गी खाना हो, आपको कोई बर्फ खाना हो, आपको कोई फैक्ट्री हो, आपको कोई ट्यूबवेल हो, कोई सिस्टम हो, उसको आप बिजली के बिल से घबरा कर परेशान होकर ख़त्म ना कीजिए, बंद ना कीजिए, बल्कि सोलर सिस्टम पर अगर आपने लगवाना चाहते हैं तो उनसे रब्ता कीजिए। ये बहुत कम चार्जेस में, बहुत कम पैसों में आपको सिस्टम की पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देंगे, और मिलना ना मिलना तो मुकद्दर की बात है, लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम पर आना चाह रहे हैं तो कम अज़ कम आबिद भाई के दिए हुए नंबर पर एक बार रब्ता इनसे ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ सोलर कंपनी की हेड ऑफिस में, और आपके सामने जो प्लेट नज़र आ रही है ये एक 550 वाट की एक प्लेट है जिसका कद तकरीबन 7.5 फुट है,
और बाकी डिटेल हम जानेंगे सोलर कंपनी के डायरेक्टर जनाब आबिर हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ, आपकी प्यार आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ये हमारी अपनी इम्पोर्ट है और ये है फोनो सोलर, जो आपको कराची में कहीं नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद में मिलेगी या फिर हमारे पास मिलेगी। हमारी अपनी इम्पोर्ट है, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स रखते हैं हम उनके अंदर फोनो सोलर 550 वाट टीयर 1 ए ग्रेड क्वालिटी की ग्रेड सन पैनल यूज़ करते हैं। अभी भी क्या वजह कि ये इस्लामाबाद में आपको मिलेगी और कहीं क्यों नहीं मिलेगी? असल में ये प्लेट जो है हाई एफिशिएंट प्लेटें हैं और थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, लेकिन हमारे पास जो है बहुत कम उसमें है और अभी हम फिलहाल इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे जो चंद एक डीलर्स हैं जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, हम उन्हीं को ये दे रहे हैं। तो अभी इस्लामाबाद में हमने सप्लाई दी है इनकी और कराची में ये हमारे पास अवेलेबल है। ये बनती कहाँ है? यहाँ पर पाकिस्तान में बनती है, बाहर से बनकर चाइना से आती है? नहीं, आपको पता है कि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं बनता, ये प्लांट का चाइना में है, लेकिन अनकरीब जो है हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग। पोर्ट कासिम पर पूरा सेटअप हमारा आ चुका है इंशाल्लाह, और हम टेक्नोपैक कंपनी के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है फोनो सोलर कंपनी, उनके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मार्केट में ले आएंगे। अब मैं चाहूँगा कि बताएं इस प्लेट के बारे में और डिटेल क्या है। सर ये हाई एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी जो है 23.2 है और 49 वोल्ट है और बाकी आप देख सकते हैं आपके सामने, और ये बिल्कुल लो लाइट परफॉर्मेंस है इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी है लो लाइट। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी ने 1 KV का प्लेट सिस्टम लगवाना है तो वहाँ ये दो प्लेट लगेंगी? जी एग्जैक्टली, ऐसे ही एक प्लेट जो है वो 550 वाट की है। जी जी बिल्कुल, तो 1100 वाट मिला के 1 KV बनेगा। हाँ बिल्कुल, 1000 किलोवाट का, 1000 वाट का 1 किलोवाट बनता है, और अगर किसी ने दो वाट लगाना तो भाई 4 प्लेट लग जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसका इजी कैलकुलेशन तो ये है कि 5 किलोवाट में ये तकरीबन 9 पैनल लगते हैं, तो आपने जितने भी लगाने आप 5 से करते चले जाएं, या 3 किलोवाट में 6 पैनल लगते हैं उससे आप करते चले जाएं कि आपको कितना आपका कितना लोड। अच्छा, मैं यहाँ ये मालूम करना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए, अभी भी ये बताइए कि मैंने देखी है कि कुछ प्लेटें इसकी हाफ भी हैं, छोटी साइज की भी प्लेटें आती हैं, बड़े साइज की प्लेटें भी आती हैं, तो छोटे और बड़े में क्या फ़र्क है? छोटे बड़े का फ़र्क है या 1 किलो वाट का फ़र्क है? जी इसके अंदर जो है ये इसके वाटेज का फ़र्क होता है। अब छोटी प्लेटें जब आया करती थी उस ज़माने में ये बड़ी प्लेटें अवेलेबल नहीं थी, अब जब से बड़ी प्लेटें आई हैं तो छोटी प्लेटों का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है कि डेफिनेट अगर आप 550 वाट में ये एक प्लेट लगा रहे हैं और आपको 550 वाट के लिए छोटी प्लेटें लगानी पड़ती, 100 वाट की लगानी पड़ती, तो आपको 5 प्लेटें लगानी पड़ती, 5 प्लेटों की जगह घिरती, और अगर 150 की लगा रहे हैं तो आपको कम अज़ कम 3 प्लेटें या 4 प्लेटें लगानी पड़ती। तो इसको जो है जगह को मद्देनज़र रखते हुए और इसकी एफिशिएंसी को देखते हुए, इनकी एफिशिएंसी हाई एफिशिएंसी है, उनमें इतनी एफिशिएंसी नहीं है, तो ये वजह है इसकी कि वोल्टेज का फ़र्क। कहने का मतलब है कि जूँ जूँ तरक्की होती जा रही है वैसी फिर प्लेटों की कारकर्दगी बेहतर से बेहतर सामने आती जा रही है। बिल्कुल सर, अभी जो आप देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में भी पाकिस्तान में हमारी अपनी एन टाइप जो प्लेट है वो अभी लॉन्च होने वाली है, और इंशाल्लाह 1 जनवरी से नए साल 2024 से एन टाइप हमारे पास अवेलेबल होंगी, और वो आपको पता है कि एक नई जदीद टेक्नोलॉजी है और बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंट है। ये जो पैनल है प्लेट है ये पी टाइप कहलाती हैं, इनकी जो लाइफ है वो हम 25 इयर्स काउंट करते हैं। अब जो एन टाइप आ रही हैं तो वो वोल्टेज में भी इससे ज़्यादा है, वो तकरीबन 585 और 600 तक के वोल्टेज के अंदर अवेलेबल है, और दूसरा ये कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, और तीसरा ये कि वो बिल्कुल लो लाइट में परफॉर्मेंस करती हैं, और उनकी जो लाइफ स्पैन है वो 30 साल है, 30 इयर्स पर मुहित है उनका, और 30 इयर्स से भी ज़्यादा चलती हैं। अभी नई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है, और इंशाल्लाह 1 जनवरी 2024 से हमारे पास अवेलेबल होगी, और इसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 03166775956, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है हमारा ऑफिशियल, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, गूगल सर्च इंजन में जाकर आप मेरी सोलर कंपनी लिखिए, आपको वहाँ पूरी डिटेल मिल जाएगी। नाज़रीन कहते हैं ना कि इल्म एक बहुत बड़ा समंदर है, तो आजकल जो भी चीज़ मार्केट में मुतारिफ़ की जा रही है वह गहरा समंदर है, ये सोलर सिस्टम भी एक बहुत बड़ा गहरा समंदर है, और समंदर के जो माहिर हैं वो हमारे आबिद साहब,
और जब भी आपको सोलर सिस्टम लगवाने के लिए कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, आप जहाँ से मर्ज़ी लगवाएं, लेकिन मेरा मशवरा है कि एक बार आप आबिद भाई से ऑन द टेलीफोन, ऑन द व्हाट्सएप आप उनसे रब्ता करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट ज़रूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।